ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया। प्रदेश की कानून व्यवस्था, माफियाओं के सफाये से लेकर निवेश सहित मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया। विगत दिनों रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हुए विवाद पर भी उन्होंने जवाब दिया। कृषि निवेश योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की क्षमता सहित अनेक विषयों पर उन्होंने बेबाक राय रखी। आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में इन्हीं विभिन्न तेवरों को। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है? और फिर मैं कह देता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोगों लोग इससे यानी देश के अंदर नंबर एक पर, एक्सप्रेसवे में नंबर एक पर, प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर एक, अटल पेंशन योजना नंबर एक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर एक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96,00,000 यूनिट यूपी के अंदर हैं, जो परंपरागत उद्यम है, यूपी के औद्योगिक विकास की आधारशिला है, इसमें नंबर एक। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर एक राज्य है। तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों का की विवेचना कर ले, आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। 17-18 से लेकर के 21-22 की अवधि में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 280.09 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और 50,420,20,00,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हर अन्नदाता किसान के खाते में किया। क्या 17,190 करोड़ और 50,420 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और इस वर्ष भी 22-23 में 64.64 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है, जिसके माध्यम से अब तक 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में किया गया है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना कुछ नहीं तो हम तो हैं। उससे भी परेशान है, यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो अभी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है। सब जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय ऐसे
50,37,000 से अधिक घरोनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे? क्या उत्तर प्रदेश का वासी था? हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास।